यूपी में गेहूं के खरीद बिक्री में गड़बड़ झाले के आरोप आते ही ये केंद्र प्रभारियों की मिलीभगत से बिचौलियों का बोलबाला, ये बात सामने आ रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले सेंटर पर केंद्र प्रभारी और ठेकेदारों की मनमानी चल रही है। इस क्रम में किसान ठगे जा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने किसानों के हक का मुद्दा उठाया है। शिवपाल ने गेहूं खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें अधिकारियों की मनमानी और सरकार की बेसुधी की बात कही गई है। वैसे योगी के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शिवपाल के आरोपों को साफ नकारा है। बेबुनियाद आरोप है और रिश्वत लेने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार पहले करती रही थी। अब तो हमने क्रय केंद्र खोले हैं और सीधा किसान को हम उनके खाते में भुगतान कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड खरीद गेहूं की और धान की हमारी सरकार ने की है। तो जो भी एलिगेशन है सपा के नेताओं के, वो बिल्कुल बेसलेस हैं और कई जगह शिकायत भी हमको मिली है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है।